हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मैथ्स के इस वर्चुअल क्लासरूम में। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन एक्स माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहला तो काम हमें क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। उसके बाद डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइंस इन लाइन से जो ट्रायंगल बनेगी। इन लाइन से तो ट्रायंगल नहीं बन सकती क्योंकि तो दो ही लाइन है। बताया गया है कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। इन लाइन से और एक्स एक्सिस से जो ट्रायंगल बनेगी उसके वर्टिसेस हमें फाइंड करनी है। और उसके बाद क्या है कि शेड द ट्रायंगुलर रीजन, और जो ट्रायंगुलर रीजन है उसको हमें शेड भी करना है। तो थ्री पार्ट्स में ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो पहले तो हमें इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, फिर उसके बाद इन दोनों लाइनों से और जो एक्स एक्सिस से ट्रायंगल बनेगी उसके वर्टिसेस बताने हैं, और फिर उसके बाद हमें क्या करना है उस ट्रायंगुलर रीजन को, जो ट्रायंगल बनी है उस रीजन को हमें शेड करना है। तो पहले हम तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम जो लाइंस हमें गिवन है उनको लिख लेते हैं। फर्स्ट है हमारे पास एक्स, गिवन लाइंस आर एक है हमारे पास एक्स माइनस वाई प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक इसी तरह से सेकंड है हमारे पास 3x प्लस 2y माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 0, इसको हम सेकंड मान लेते हैं। अब हमें इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें इसके टू टू पॉइंट्स चाहिए। तो एक बार हम एक्स को जीरो पुट कर देंगे, वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, और एक बार वाई को जीरो पुट कर देंगे, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहां से व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स 0 होगा तो ये हमारे पास माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रह गया, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1, तो ये माइनस कैंसिल कर देते हैं, तो यहां पर वाई इज इक्वल टू 1, तो पॉइंट्स आ गया, पॉइंट आ गया हमारे पास 0 और 1। ठीक इसी तरह से व्हेन y इज इक्वल टू 0, जब y हमारा 0 हो जाएगा तो हमारे पास ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो x प्लस 1 दैट इज 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 1। तो यहां से हमारे पास पॉइंट आ जाएगा, पहले x कोऑर्डिनेट लिखना है, ये बात आप ध्यान रखोगे, माइनस 1 और 0, तो टू पॉइंट हमें इसके कोरिस्पॉन्डिंग मिलेंगे। अब ठीक इसी तरह से हम इसके लिए सोल्व करेंगे। फिर बच्चों आप चाहो तो जो कॉन्स्टेंट पार्ट होता है उसको पहले राइट, ये पॉइंट x की और y की वैल्यू फिट करने से पहले जो कॉन्स्टेंट पार्ट होता है उसको पहले ही राइट साइड में भी लिख सकते हो, इससे थोड़ा सा और इजी हो जाता है। देखो हमने यहाँ पे इसको कॉन्स्टेंट पार्ट को राइट साइड में नहीं लिखा है, लेकिन अगर आप कॉन्स्टेंट पार्ट को राइट साइड में लिख लेते हैं तो देखो कितना ईजी हो जाएगा, थोड़ा सा और ईजी हो जाएगा। वो आपकी मर्जी है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए भी कर सकते हैं आप। यहां से देखो मैं लिखता हूं कि व्हेन x इज 0, आप अपने माइंड में भी सोल्व कर सकते हो, ये 0 हो जाएगा, 2y is equal to 12, y is equal to 12 divided by 2, तो 6 आ जाएगा, तो 2y is equal to 12, y is equal to 12 divided by 2, तो यहां पे हमारे पास 6 आ जाएगा, तो पॉइंट आ गया हमारे पास 0 और 6। ठीक इसी तरह से when y is equal to 0, तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो 3x is equal to 12, यहां से 3x is equal to 12, x is equal to 12 divided by 3, तो यहां से हम जब इसको कैंसिल कर लेंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट आ गया हमारे पास 4 और 0। तो इस तरह से आप टू टू पॉइंट्स दोनों लाइंस के कोरिस्पॉन्डिंग फाइंड कर लेंगे। अब हमें इसको प्लॉट करना है। आप यहाँ पे अगर पुट करेंगे, देखो एक्स को 0 पुट करेंगे तो 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, 2y इज इक्वल टू माइनस 12 इधर आगे प्लस का 12 हो जाएगा, तो 2y इज इक्वल टू 12 एक्स्ट्रा 4 एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कम हो जाता है। और यहाँ आप और माइंड में भी सोच सकते हो इसके बारे में, तो ये ज्यादा बेटर सिचुएशन है। अब हमारे पास 4 पॉइंट्स आ गए, 2 पॉइंट्स तो ये हो गए, 2 पॉइंट्स ये हो गए। अगर इसके स्केल की बात करें 0 1 माइनस 1 0 0 6 और 4 0, तो कोई बहुत बड़ा सा स्केल नहीं है, 1 1 का स्केल हम ले लेते हैं। तो इसको प्लॉट करते हैं, तो इसको प्लॉट करने के लिए आप ग्राफ पेपर पे इसको प्लॉट करोगे। ये हमारा एक्स, एक्स डैश y, y डैश, और ये ओरिजिन।
वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव, यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन एंड सो, यहाँ पे माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव। तो इस तरह से हमने ये स्केल को फिक्स कर लिया। अब इनको प्लॉट करते हैं लाइंस को। फर्स्ट के लिए हमारे पास एक्स जीरो वाई वन, वाई एक्सिस पे एक्स जीरो होता है वाई वन, यानी कि ये पॉइंट है। नेक्स्ट है एक्स माइनस वन वाई जीरो, एक्स माइनस वन वाई जीरो, तो एक्स माइनस वन वाई जीरो एक्स एक्सिस पे होता है एक्स माइनस वन, तो ये हो गया हमारे पास। अब हम इसको मिला देते हैं इसके साथ इस तरह से, आप इसको प्लॉट कर देंगे, इस पर लिख दोगे आप मेंशन कर दोगे, तो ये के हमारे पास ये है x माइनस वाई प्लस वन दैट इज इक्वल टू जीरो। लाइन वन यहां पर लिखना चाहो तो यहां पर लिख सकते, सॉरी नेक्स्ट। ठीक इसी तरह से आप सेकंड जो लाइन है उसको प्लॉट करोगे, उसमें हमारे पास है एक्स जीरो वाई सिक्स, एक्स जीरो वाई एक्सिस पे होगा वाई सिक्स, ये आ जाएगा हमारे पास। और एक्स फोर वाई जीरो, एक्स फोर है और वाई जीरो है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि वाई एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे वाई जीरो होता है। तो अब आप इन पॉइंट्स को मिला देंगे, तो इन पॉइंट को थोड़ा सा आप ध्यान से मिलाएंगे, यहां से आप इन पॉइंट्स को मिलाएंगे, आप स्केल के साथ इसको मिलाएंगे, यहां पे हमारे पास ये थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, तो इस तरह से हम इसको आगे बढ़ा देंगे और इस पे हम लिख देंगे कि ये हमारे पास क्या है 3x, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमने इसको जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ग्राफ प्लॉट कर दिया। अब इसके बाद कहा गया है कि इन दोनों लाइन से और एक्स एक्सिस से जो ट्रायंगल बनी है, अब देखो ये इन दोनों लाइन से और एक्स एक्सिस से हमारे पास एक ट्रायंगल बनती है, ये दोनों लाइन और एक्स एक्सिस से एक ट्रायंगल बन गई, ये ट्रायंगल बन गई हमारे पास, ये ट्रायंगल हमारे पास बन गई। ये जो ट्रायंगल बनी है इसके वर्टिसेस निकाल रहे हैं। अब इसके वर्टिसेस, इसको अगर हम ए मान लें, ए पॉइंट मान लें, इसको अगर हम बी पॉइंट मान लें इस वाले को, तो इसके वर्टिसेस बताने हैं, ए के वर्टिसेस बताने हैं, और इसको सी मान लें तो इनके वर्टिसेस बताने हैं। अब देखो बी पॉइंट तो ये है, एक्स की वैल्यू तो माइनस वन है और वाई की वैल्यू जीरो है, ये तो खुद ही लगाया था हमने, तो ये तो हमारे पास पॉइंट हो गया माइनस वन और जीरो, बी तो मिल गया हमें, सी भी हमने लगाया था, तो एक्स तो फोर है और वाई जीरो। अब ए पॉइंट दोनों का इंटरसेक्शन है, ये इन दोनों लाइन का सॉल्यूशन भी है, तो ए के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे हम इसको देखो थोड़ा सा ये लाइन इस तरह से कुछ आनी चाहिए थी हमारे पास, चलो फिर भी हम थोड़ा सा अंदाजे से कर लेते हैं। तो यहां पे यहां से जो एक्स की वैल्यू मिल रही है हमें वो टू मिल जाएगी, और जो वाई की वैल्यू मिल रही है वो हमें थ्री मिल जाएगी। आप स्केल के साथ करेंगे क्योंकि स्केल पे फिट नहीं है, तो थोड़ा सा आपको ये टेढ़ा मेढ़ा नजर आ सकता है, लेकिन आप स्केल के साथ इसको ग्राफ पेपर पे करेंगे तो ये बिल्कुल क्लियर होगी सिचुएशन आपको। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, एक्स की वैल्यू हो जाएगी टू और वाई की वैल्यू हो जाएगी आपके पास थ्री। तो ये हमारे पास ट्रायंगल के कोरिस्पॉन्डिंग हमारे पास वर्टिसेस ए आ गया, एक्स टू आ गया और वाई थ्री आ गया। एक बार एक्स टू और वाई थ्री को चेक कर लेंगे, क्योंकि दोनों का सोल्यूशन है तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। एक्स की जगह पे इक्वेशन वन में अगर हम एक्स की जगह पे टू और वाई की जगह पे थ्री पुट करें, ये है हमारे पास x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो x की जगह पे टू और y की जगह पे थ्री रखा, टू और वन थ्री, थ्री माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो सही है, जीरो इज इक्वल टू जीरो तो सही है। और अगर दूसरी में भी पुट करें, इक्वेशन टू में भी अगर पुट करें, ये है हमारे पास थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे
थ्री इंटू टू एक्स की जगह पे टू प्लस टू इंटू थ्री वाई की जगह पे थ्री माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो ये सिक्स प्लस सिक्स माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो तो ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो तो ये भी सही है यानी कि हमारा जो पॉइंट है वो सही है। अब हमारे पास हमने जो फर्स्ट काम था उसमें कहा गया था कि आपको इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फाइंड करना है दोनों लाइन्स का वो हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हमें कहा गया था कि इन दोनों लाइन से और एक्स एक्स से जो ट्रायंगल बनी है उसके वर्टिसेस फाइंड करने हैं। दो पॉइंट तो हमने खुद ही लगाए थे और तीसरा जो पॉइंट है हमने दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से फाइंड किया है ग्राफ से। और तीसरी जो बात कही है कि उसने कहा कि शेड करो इसको तो हम इसको शेड कर देते हैं। तो इसको शेड करेंगे यानी कि इस रीजन को ट्रायंगल के रीजन को हमें क्या करना है शेड करना है ट्रायंगुलर रीजन को हमें शेड करना है एक्स एक्सिस के बीच में और इसके बीच में जो ये रीजन है हमें इसको शेड करना है तो ये हमने इसको शेड कर दिया तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका थर्ड पार्ट जिसमें हमें ये कहा गया था कि हमने इस रीजन को शेड करना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेवन कंप्लीट हो जाता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेवन के साथ साथ हमारी एक्सरसाइज 3.2 भी कंप्लीट हो जाती है जो कि एक बेहद इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव एक्सरसाइज है। आप इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ग्राफ की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।